बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल, आओ मदद करें। और आज हमने बच्चों के लिए पार्टी का इंतज़ाम किया है। पार्टी में बच्चों के लिए हमने बनाया है पुलाव, और ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे से बच्चे हैं। ये वो बच्चे हैं जो हकदार हैं, इनके लिए हमने स्पेशल तौर पर देख बनवाई है। हमारे बहन भाई हैं शेख फैमिली, उन्होंने इन बच्चों के लिए पार्टी दी है। पिछली ईद पे भी उन्होंने दी थी, तो इस बार भी उन्होंने इन बच्चों के लिए जो है ना वो इंतज़ाम करवाया है खाने का। अल्लाह पाक उनकी ये छोटी सी कावश कबूल फरमाए, आमीन। तो ये छोटे छोटे से बच्चे हैं, चलें फिर इनमें हम जो है चावल तकसीम करते हैं और आपके साथ भी शेयर करते हैं। ठीक है बच्चों, दूँ फिर चावल? बच्चे कहते हैं दे। तो पंखा लगाया हुआ, पानी ठंडा करके असी रख लिया वा, पंखा लगाया हुआ वा, तो हूँ बच्चों को दिनी है चावल, तो बच्चे चावल खान। ये हमारी देग है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे चावल बने हैं। अब हम बच्चों में तकसीम करेंगे। अब थोड़े से बच्चे जो हमने बिठाए हैं ये खा लेंगे, इसके बाद और बच्चों की शिफ्ट लगेगी। दरअसल जगह कम है, तो हमने सोचा पहले थोड़े थोड़े बच्चों को ना खिला के जो है वो घर जाएंगे, फिर और बच्चों को बिठा के उनको खिलाएंगे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी देग बनाई है, सब बच्चों में तकसीम करेंगे। और गर्मी भी बहुत ज्यादा है, गर्मी भी बहुत ज्यादा है। और दूसरा ये है कि ये मेरे अम्मी अबू का घर है, वहाँ पे हमने देग बनवाई है, क्योंकि हमारे यानी घर में जगह कम है, तकरीबन ढाई मरले का घर है, तो वहाँ पे जगह जो है ना बहुत कम है, तो इस वजह से आज अम्मी अबू के घर में जो है हमने ये सब इंतजाम करवाया। इधर हमने देख इसलिए बनवाई है क्योंकि ये घर भी खुला है और गर्मी कम है यहाँ पे ना, बच्चों को गर्मी नहीं लगेगी। तो चले फिर बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं चावल ये प्लेटें वगैरह मैंने धो के साफ करके रखी हुई है, तो इसमें डाल के दूंगी मैं। थोड़े थोड़े डाल के देंगे बच्चों को, अगर ज़रूरत होगी तो और डाल देंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, ज़्यादा डाल के देंगे तो वो ज़ाया हो जाते हैं, खराब ना करें। हाँ जी, ख़राब ना करें। तो जिसको और चाहिए होंगे वो फिर हम उनको और दे देंगे। बहुत शुक्रिया जी शेख फैमिली की तरफों, जिन्होंने इन्हें छोटे छोटे बच्चों के बारे सोचा। अल्लाह पाक उन्हें दी है खरायत, ए पार्टी छोटी जी जड़ी है ए कबूल फरमावे, आमीन आमीन। हाँ जी, बहुत अच्छा लग्या, बहुत शुक्रिया शेख फैमिली तुहाडा। तुसीं हर मरतबा इन्हां बच्चों के बारे सोचते हो, ख्याल करते हो, तो वह बच्चे ने हकदार ने, मुस्तहक ने, जिन्होंने कभी इस तरह का पुलाव या इस तरह के गोश्त वगैरह नहीं इस्तेमाल किया है, तो अल्लाह पाक का लख लख शुक्र है कि अज इन्हां वास्ते खाने का इंतजाम हो गया। बहुत शुक्रिया उन्होंने भैन भरावान का जो साढ़े नाल खड़े ने। अल्लाह पाक तुहानू सलामत रखे, हसदे वसदे रहो, दोबारा तो ईद मुबारक, खुश रहो, खुशियां वंडो अल्लाह के हवाले। हाँ जी, मेरी तरफों भी ईद मुबारक। ये कहना भूल गए, पहले दिन दी, दूसरे दिन दी, तीसरे दिन दी ईद मुबारक। हाँ जी, मसरूफियत इतनी सी, सही गल है, नियाब नु टाइम लग गया मेरे फोन दा। चलो जी,
चलो हम गरीब लोगों की मदद करते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल को नेकी समझकर सब्सक्राइब करें। हमारे जितने ज़्यादा सब्सक्राइब या व्यूज़ होंगे उतने ज़्यादा गरीब घरों की मदद होगी। जज़ाकअल्लाह।